Hello everyone, I am Durgeshwari Sahu, Assistant Professor in CIC Department from Bharati College of Engineering and Technology. Today we will discuss about the topic is virtual memory. Generally आप लोग पढ़े होंगे कंप्यूटर में है ना, ये टॉपिक है CSA का सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर में बी में CSA, ठीक है। CSA के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि मेमोरी के कितने टाइप्स रहता है, कौन कौन से टाइप्स से आपके मेमोरी रहता है, ठीक है। मेमोरी आपके बहुत सारे आपके मेमोरीज रहते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, आपका रजिस्टर है, बफर मेमोरी है, और ये सब क्या है आपकी मेमोरीज है। उनमें दो क्या होता है इम्पोर्टेंस रहता है। फर्स्टली क्या है आपका ये रैम और रोम, ठीक है। रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ये आपका क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी होता है। और रैम क्या होता है आपका प्राइमरी मेमोरी होता है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम आपका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या होता है आपका रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो जो रोम होता है वो क्या होता है नॉन वॉलेटाइल होता है ना, और रैम क्या होता है वॉलेटाइल होता है, ये तो सबको ही पता होगा है ना। तो जो रोम होता है वो क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी होता है, और क्या होता है परमानेंट स्टोरेज रहता है उसमें, ठीक है। और फिर रैम क्या होता है आपका टेम्पररी स्टोरेज के लिए यूज होता है, ठीक है, टेम्पररी यूज के लिए। और ये क्या होता है वॉलेटाइल होता है, मतलब जैसे आपका चल रहा है स्विच ऑफ होने के बाद या लाइट जाने इलेक्ट्रिसिटी के जाने के बाद वो क्या होता है जितना भी आपका डेटा रहता है वो सब क्या हो जाता है उससे हट जाता है, किसमें रैम में है ना। तो जो आपका पीसी है या कंप्यूटर है या जो भी है आपके पास जो सिस्टम, ठीक है, सिस्टम जिसमें आप काम कर रहे हो वर्क कर रहे हो वो उसका स्टार्टिंग से, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का जो भी काम होता है वो किसमें होता है आपका रैम में होता है, ठीक है। रैम क्या है टेम्पररी मेमोरी है, ठीक है, जब तक आपका सिस्टम ऑन है तब तक किसमें पर जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं आप जो भी डेटा रहेगा वो किसमें स्टोर रहेगा आपका रैम में, ठीक है। अगर आपने उसको सेव किया है, ठीक है, प्रॉपर उसको किसी डाउनलोड करके सेव किया है या किसी डेस्कटॉप में ही सेव कर दिया या कहीं पे सेव किया है तो क्या हो जाएगा वो सेव होने के डायरेक्ट बाद ही वो किसमें चला जाएगा रैम से रोम में चला जाता है ना। फिर क्या होता है जैसे कि आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी गया आपने सेव नहीं किया है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपका चला गया, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया चला गया, आपने क्या किया जो आप फाइल जो खोले थे ओपन किए थे आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं जो भी प्रोग्राम जो टास्क परफॉर्म कर रहे थे वो क्या किया आपने सेव नहीं किया है, तो इलेक्ट्रिसिटी जाने के साथ ही वो क्या हो जाएगा आपका डेटा भी चला जाएगा है ना। तो जो आपका सिस्टम के ओपन होने से लेकर और क्लोज होने तक का जो भी काम होता है वो किस पे होता है रैम में होता है। इवन आपका मोबाइल में भी जैसे रहता है मोबाइल में सिस्टम है उसमें भी क्या रहता है आपका जो भी आपका ओपन करते हैं ओपन होने से क्लोज होने तक का जो भी काम होता है वो किसमें होता है रैम में होता है, ठीक है। तो जो इसमें भी होता है मेमोरी में भी क्या होता है कि रैम क्या होता है जिसमें हम फर्स्टली जो भी वर्क करना रहता है कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो वो सारा चीज किसमें आता है पहले रैम में, रैम के थ्रू ही वो क्या होता है सीपीयू में परफॉर्मेंस करते रहता है ना। जब तक क्या होता है अपना रैम भी क्या है एक लिमिटेड रख देते हैं है ना मेमोरी में, ये नहीं कि आपका क्या है टास्क जितना भी हो आ रहा है आपका वो टास्क परफॉर्म होते जा रहा है एग्जीक्यूट होते जा रहा है भले कितना ही लंबा कितना ही बड़ा कितना उसका साइज कितना बड़ा हो ये चलते रहता है आपका टास्क एग्जीक्यूट होते रहेगा ऐसा नहीं है, है ना। क्या है वो रैम के कैपेसिटी के हिसाब से रहता है, रैम का साइज के उसमें क्या रहता है डिपेंड करता है रैम के साइज पे, अलग अलग आपका सिस्टम है उसमें अलग अलग आपका क्या रहता है रैम का क्या रहता है कैपेसिटी रहता है उसका साइज रहता है ना। जैसे हम लोग 4 GB तक का क्या किया है रैम उसमें डाले हैं, ठीक है, 4 GB तक का रैम डाले हैं और हमको जो हमारे पास जो प्रोसेस है जो टास्क है वो आते रह रहा है, ठीक है, आ रहा है उसका साइज भी क्या है बड़ा होते जा रहा है। ये नहीं कि हम लोग टास्क को रोक देंगे काम नहीं हो पाएगा तो आप टास्क नहीं करेंगे ऐसा है क्या, नहीं,
हमको टास्क परफॉर्म करते ही रहना है, हमारे पास टास्क आ रहे हैं सिस्टम में, हम टास्क परफॉर्म करते ही जाएंगे, पर वो टास्क परफॉर्म होते ही रहता है, परफॉर्म होने के बाद भी हम क्या करते हैं एग्जीक्यूट करते रहते हैं, ठीक है। बट हमको उसका साइज क्या रहता है बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। आपके पास रैम 4 GB का है, आपके पास टास्क आ गया 15 GB का, फिर भी वो परफॉर्म होते ही रहता है, क्यों, किस वजह से होते रहता है ये सब। रैम तो हमारे पास लिमिटेड है 4 GB का, बट परफॉर्म कितना हो रहा है टास्क 15 GB तक का, कैसे, हमने तो रैम बहुत कम रखा है 4 GB का, अब 15 GB का डेटा कहाँ स्टोर होता होगा, कैसे काम कर रहा होगा, ये सब चीज जानने के लिए हमको क्या पढ़ना है, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। वर्चुअल मतलब रियल नहीं है ये, ठीक है, वर्चुअल हम मान के चल रहे हैं, वर्चुअल मेमोरी है ये, ठीक है, जो कहाँ यूज होता है, मेमोरी CPU में यूज होता है आपका, ठीक है। किसका पार्ट है ये, हार्ड डिस्क का पार्ट है, ठीक है, हार्ड डिस्क का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें क्या है, हार्ड डिस्क को यूज करके ये क्या करता है, रैम को बड़ा कर देता है वर्चुअली, है ना, रियल में नहीं करता है बड़ा, ये नहीं की 4 GB हटा के वो 15 GB का वो लगा दे रहा है, ऐसा नहीं, वो रैम को क्या करता है वर्चुअली उसमें क्या करता है स्पेस ला देता है, स्पेस डाल देता है ताकि वो 15 GB तक का क्या टास्क जो है परफॉर्म कर पाए, है ना। तो कैसे होता है देख रहे हैं, यूजुअली अगर मेन मेमोरी इज नॉट एज लार्ज एज द एट स्पेस ऑफ प्रोसेसर, ठीक है, हमारा जो CPU है, जो CPU मतलब का रैम काम जो कर रहे हैं, हमारा CPU क्या है अनलिमिटेड साइज का है, ठीक है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी उसका क्या है लिमिटेड है ना, 4 GB का है तो 4 GB तक का ही रहेगा, ठीक, उसमें हम लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो क्या हो गया, जैसे कि क्या है 2 to the power 32, तो उसको हम लोग पार्टीशन करके हम लोग क्या करते हैं, जैसे इतना क्या है 4 GB तक का आपका CPU में आपका जो मेमोरी है रैम है ना, तो हमको टास्क परफॉर्म करना है 15 GB का, तो क्या कर रहे हैं, टेक्निकली वी हैव मेगाबाइट्स ऑफ मेन मेमोरी, ठीक है, मेगाबाइट्स है हमारे पास, MB है आपका, पढ़े है ना आपका नंबर सिस्टम, GB 1 GB MB, ठीक है, बाइट्स, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये सब क्या होता है आपका मेमोरी यूनिट्स है, है ना, कितने उसका क्या है, इसी बेसिस पे हम तो उसको कर पाते हैं ना कि इतने GB का रैम है, इतने GB का, इतने MB का आपका डेटा है, इतने MB का आपका पिक है, इस टाइप का हम लोग क्या करते रहते हैं कैलकुलेशन करते रहते हैं ना कंप्यूटर में, है ना, तो इस टाइप का आपका मेमोरी का कैलकुलेशन कैसे होता है बाइट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो फिर यस टू नाउ डज अ 4 GB प्रोग्राम फिट इन टू 1 GB ऑफ मेन मेमोरी रैम, ठीक है, 4 GB का जो प्रोग्राम है 1 GB में हम लोग कैसे परफॉर्म करें, हमारे पास टास्क ये है कि 4 GB का आपके पास टास्क दिया हुआ है प्रोग्राम, हम उसको 1 GB में कैसे परफॉर्म करें, है ना। अब हमको दिया है 1 GB का हमको मोबाइल में अपना क्या है रैम है, अब हमको बिग डेटा मिल गया 4 GB का, तो हम उसको कैसे परफॉर्म करेंगे, नहीं हो पाया ना, पॉसिबल ही नहीं है, तो सिस्टम क्या करता है उसमें हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क से हम क्या करते हैं वर्चुअल मेमोरी निकालते हैं, वर्चुअल मेमोरी उस हार्ड डिस्क को, ठीक है, उस हार्ड डिस्क को यूज करके क्या बनाता है आपका रैम, वर्चुअल रैम क्रिएट कर देता है, मतलब रैम में इतना स्पेस डाल देता है कि क्या करता है वो जो भी आपका जो टास्क है वो परफॉर्म हो पाए, टास्क का जो साइज है उस पर फिट हो पाए, ठीक है, स्पेस वहां पे कम हो जाए, स्पेस कम होने के बाद आपका क्या हो जाए जो भी टास्क है उसमें परफॉर्म हो, आपका रैम का पूरा 4 GB का भर गया, अब आपके पास 15 GB का आया, ठीक है, चलो आपका क्या है 11 GB तो बचा ही है, उसको कैसे परफॉर्म करेगा वो, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क के थ्रू क्या करता है CPU में अपना क्या करता है वर्चुअल स्पेस क्रिएट कर देता है, ठीक है, इसमें रैम में वो वर्चुअल स्पेस बहुत ज्यादा रहता है जिसके बेसिस पे क्या होता है पूरा टास्क जो है परफॉर्म होते रहता है, ठीक, समझ में। एंड द आंसर इज दैट प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड देन एग्जीक्यूटेड इन दोज पार्ट्स, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद ही वो क्या हो जाता है एग्जीक्यूट होते जाता है, ठीक है। अब हम लोग उसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि वो होता कैसे है,
सेल का क्या रहता है आपका, ये आपका सीपीयू हो गया, ठीक है, ये आपका फ्रेम है और ये आपका क्या हो जाता है, मेन मेमोरी है ना। तो इसमें वर्क कैसे होगा, सीपीयू के पास कोई टास्क आया है ना, इनपुट आया आपके पास सीपीयू में, मतलब टास्क है, ठीक है, सीपीयू बोल रहा है मेरे को P1, ठीक है, P1 टास्क परफॉर्म करके दिखाओ, ठीक है, P1 टास्क परफॉर्म करके दिखाने के लिए हमको क्या कहाँ जाना पड़ेगा, फ्रेम में, ठीक है, ये फ्रेम है, ठीक है, फ्रेम F1 मतलब ये हो गया आपका F1 कहाँ है, ये F2 F3 ये है, ठीक है, इसके अंदर में कितना पार्टीशन में आपका पेजिंग सिस्टम, पेजिंग, ठीक है, फ्रेम 1 में 10 पेज है मान लो, ठीक है, 10 पेज है उस, ठीक है, तो हमको जैसे यहाँ पे हमको P0 के लिए बोला, ठीक है, P0 के लिए बोला है, P0 हमको दिखाना है उसमें, तो P0 है ही नहीं यहाँ पे, पेज में कहीं पे P0 है क्या, नहीं है, तो क्या करेगा वो, क्या करेगा अभी जो यूजर, ये क्या कर रहा था, यूजर यहाँ पे वर्क कर रहा था, है ना, यूजर यहाँ पे वर्क कर रहा था, वर्क कर रहा है, अब उसको P0 नहीं मिला, अब फिर क्या किया यूजर, उसको अपना जो कमांड है वो किसको दे देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना कमांड दिया, ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि मेमोरी में स्पेस है क्या, और मेमोरी में वो जो उनको चाहिए जो टास्क, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन उसमें है क्या, नहीं है, देखा उसने नहीं है, अब क्या करेगा वो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ठीक है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस मतलब आपका क्या होता है, हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क में जाएगा, हार्ड डिस्क में क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन, ठीक है, हार्ड डिस्क में जाके वो क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा इससे कि आपको, आपके पास जो है ये पेज है क्या, आपके पास ये स्पेस है क्या, हमारा हमको ये चाहिए, ठीक है, ये प्रोग्राम हमको चाहिए, हमको यहाँ पे ये करना है, क्योंकि जो बाकी जो प्रोग्राम बहुत सारा ऐसा रहता है टास्क जो आपका मेमोरी में नहीं रहता है, वर्चुअल में जो आपका सीपीयू में, वो कहाँ पे मिल जाता है आपको, हार्ड डिस्क में मिल जाता है, ठीक है, तो हार्ड डिस्क में वो प्रोग्राम रखा हुआ है, ठीक है, अब किसको चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को वो प्रोग्राम चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसकी अभी क्या है, डिमांड है ना, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, उसको कौन मंग रहा है, सीपीयू मंग रहा है, रन कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो फिर क्या करेगा ये, ये उसको कर देगा कि यहाँ पे क्या है, P0 P1 P2 है, ठीक है, तो इसमें क्या गया, पेज रिप्लेसमेंट के थ्रू, ठीक है, पेज रिप्लेसमेंट के थ्रू क्या करेगा, वर्चुअल जो मेमोरी है वो वर्क करेगा, अब कैसे वर्क करेगा, पेज रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो सीपीयू है जो मेन मेमोरी में देखेगा कि जो जो जिसका क्या है प्रायोरिटी नहीं आ रही है, ठीक है, अभी जो टास्क परफॉर्म नहीं होना है या हो चुका है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, वहां से हटा देगा, और उस वो हटा के कहाँ डालेगा, वो हार्ड डिस्क में, ठीक है, हार्ड डिस्क में डालेगा, तो यहाँ का स्पेस क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, हार्ड डिस्क में बहुत सारा स्पेस है, ठीक है, हार्ड जो ये प्रोग्राम है उसको कहाँ डालेगा, वो हार्ड डिस्क में डालेगा, और यहाँ का स्पेस जो है क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कोई प्रोग्राम था, यहाँ प्रोग्राम को क्या किए, अब उसके जो एग्जीक्यूशन हो गया है, ठीक है, तो उसको हटा के कहाँ डाल दिया आप, यहाँ, जैसे यहाँ पे P2 था, ठीक है, P2 कोई प्रोग्राम था, वो P2 का प्रोग्राम आपका रन कराने के बाद क्या हुआ, वो P2 यहाँ से कहाँ रिप्लेस कर दिया आप उसको, इधर, ठीक है, आप या फिर इसमें भेज दिए उसको, आपको P2 में भेज दिए, ठीक है, P2 में वो चला गया, ठीक है, P2 में जाने के बाद इसका स्पेस क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो जो P0 चाहिए, ठीक है, यहाँ का जो P0 था वो P0 कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ, ठीक है, ये P0, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कहाँ ट्रांसफर कर देगा, फ्रेम में, आपका ये फ्रेम है ना, ये फ्रेम में ट्रांसफर कर देगा, फ्रेम में ट्रांसफर होने के बाद क्या करेगा, ये जो है, ठीक है, फ्रेम में ट्रांसफर होने के बाद वो क्या कर देगा, उसको सीपीयू को दे देगा रन कराने के, तो इस स्टेप का क्या होता है आपका, वर्चुअल मेमोरी जो है वर्क करता है ना, वर्चुअल मेमोरी इस स्टेप पर वर्क करता है, और क्या जो भी आपका वर्क करेगा, स्पेस कहां से लेगा, वो हार्ड डिस्क से, ठीक है, समझ में आया, इसमें स्वैप इन स्वैप आउट का जो काम है वो समझ में आया, पेज रिप्लेसमेंट का, पेज कैसे रिप्लेस हो रहा है वो, ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी
जरूरी भी है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, आईटी कंपनी जो जिनको बहुत बड़ा बड़ा टास्क परफॉर्म करना रहता था, ठीक है, तो उनके पास क्या है, लिमिटेड मेमोरी हो जाती थी, है लिमिटेड, जैसे रैम है उनके पास क्या है, लिमिटेड है, तो बहुत सारा टास्क है उनके पास, तो लिमिटेड मेमोरी में वो कैसे काम करे, ठीक है। तो उन्होंने इस प्रकार क्या किया है, वर्चुअल मेमोरी जनरेट किया। तो हम लोग मल्टीटास्किंग, आपका मल्टी प्रोसेसिंग आपका काम होता है उसमें क्या रहता है, मल्टीटास्किंग में आपका जो वर्क रहता है वो कैसे होता है, एक के बाद एक आपका क्या है, मल्टीटास्किंग मतलब समझते हैं ना कि बहुत सारा प्रोग्राम एक साथ आप क्या कराना है, रन कराना है। जैसे आप एक ही बार में एक्सेल खोल दिए, वर्ड चला रहे हैं, आपका पावर पॉइंट भी चल रहा है साथ में, कोई कुछ और डॉक्यूमेंट्स खोल के रखे, कुछ और विंडोज खोल के रखे हैं, है ना। तो ये सब क्या रहता है, रैम में वर्क रहता है, उसका छोटा छोटा पार्ट कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा स्पेस लेके रैम में रहता है, एक टाइम तक पूरा रैम भर जाता है उस स्पेस के कारण, तो उसमें क्या होता है, टास्क आप परफॉर्म नहीं कर पाते, जल्दी से वो लोड नहीं ले पाता है, है ना। तो जो हार्ड डिस्क यूज करके जो वर्चुअल मेमोरी अपना क्या करता है, स्पेस यूज करता है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, बाकी का टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से रैम का स्पेस पूरा क्या कर देता है, वो खाली कर देता है, उसमें से रैम का स्पेस खाली हुआ तो बाकी का टास्क उसमें क्या हो जाता है, एंटर कर जाता है, ठीक है। तो ये पेज रिप्लेसमेंट के थ्रू आपका क्या हो जाता है, आपका वर्चुअल मेमोरी वर्क करता है, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यही तक था, ओके, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि एसोसिएटिव मेमोरी कैसे वर्क करता है, ओके, ठीक है, थैंक यू।